ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन को बोल रहा है ना किंतु साइक्लिक चेन दिया गया, बोलता है कि स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए मेरा फोकस डबल बोर्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पे, तो डबल बोर्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइली कार्बन या तो विनाइली कार्बन है जो कि आपका रिफरेंस पॉइंट, तो विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, यही कल बता रहे थे विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी आपका विनाइली कार्बन और विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये भी हो गया आपका अल्फा कार्बन, विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये भी हो गया आपका अल्फा कार्बन। हम बोलते थे कि अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन क्या बोलते थे, अल्फा हाइड्रोजन, तो बताइए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अच्छा से काउंट कीजिए तीन, कितने यहीं पे यहाँ पे कितना है नहीं है दो, यहाँ पर भी दो है तो दो दो चार तीन सात हो जाएगा आपका, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका सेवन, तो हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया सेवन, अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है दो और दो कितना हो गया चार, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चार है आपका तो हाइपर कंजुगेशन हो गया आपका चार, और बताइए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पांच बोल रहे हैं, अच्छा दो और एक दो तीन बोल हो चुका था एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे ना, तो दो और एक तीन ही हाइड्रोजन हो गए, नहीं देखिए यहाँ पे हम क्या बोले विनाइली कार्बन का बगल वाला कार्बन देखना आपको, आप इसको देख रहे हैं समझे वो रॉन्ग हो जाएगा ना, तो अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया तीन, तो अल्फा हाइड्रोजन है आपका तीन, तो हाइपर कंजुगेशन भी हो गया आपका तीन। अब बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, ऑप्शन नंबर वन, तो ऑप्शन नंबर आपका वन है सो मोर स्टेबल है, उसके बाद कौन है आपका ऑप्शन नंबर टू, तो ऑप्शन नंबर टू मोर स्टेबल है कंपेयर टू ऑप्शन नंबर थ्री। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन का पैटर्न ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन का कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेगा आपको कुछ नहीं करना, जिस एरो को मिस कर देगा उस एरो को आपको इस फॉर्मेट में लिखाना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखाना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका वन का फिर टू और फिर थ्री का, क्या बोले सुनवाने सबसे ज्यादा वन का हो गया फिर टू का फिर थ्री का, मतलब ज्यादा टू का फिर ज्यादा वन का हो गया। ओके एक और पैटर्न क्वेश्चन का देखिए, ये तीन ऑप्शन देगा आपको पूछेगा इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन है, अगर मोस्ट लिखेगा ना तो तीनों में से एक ऑप्शन आपका सही जाएगा, जो क्वेश्चन भेजे थे ना इसी पैटर्न पे भेजे थे चार ऑप्शन उसमें एक ही ऑप्शन आपका सही समझे, इसमें अगर मोर स्टेबल की बात की जाए तो अल्फा हाइड्रोजन सेवन है सबसे ज्यादा मोर स्टेबल आपका ये होगा, इसे यूपेक में बता पाइएगा ठीक है ना, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन समझे, इसका देखिएगा तो वन टू थ्री फोर, फोर मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसका देखिएगा तो वन टू थ्री, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ओके आप सुन रहे हैं,